हाय हेलो नमस्ते मु लीजा स्वागत करुच्ची आम यूट्यूब चैनल जार नाँ हूँ मोटिवेशनल स्पीकर। सो गाइस पूर्व मुझे बहुत किसी वीडियो अपलोड करती जो आप बहुत सारा भलपाइवा दे लाइक करेयर कर सब्सक्राइब भी कर तो आज मुझे गोटे सेमती पूर्व कही वीडियो को लेकिन जमी शिवजी पार्वती जी हाँ तो वीडियो करें तो आज भी सेम छोट स्टोरीटे कह चाहिए तो डेरी नक चलते स्टार्ट करवा। दिने पार्वती जी कौन करना गणेश पार्वती मन उणा करके बस शिवजी आसिले कहे पार्वती कौन है तुम कौन पे मन उणा कर स्वामी ना आ सब स्वामी तो स्त्री मैंने बहुत भल पाती तो पार्वती जी कहले मन उणा करें देखिए सब जन्म आम विष्णु आ महालक्ष्मी कितने कितने अवतार से नौ तो आम खाली से शिव पार्वती हो रही जाए मोर कि राधा बाबू भारी इच्छा हो राधा आप कृष्ण हमें तो शिवजी कहले मुँह पार्वती मना करुच्ची मुझे कृष्ण होगी तुम भितर तो से राधा वाला फिलिंग तो रहा दरकार ना नहीं तुम्हें तो राधा ही पारे तो मुझ कृष्ण ही कौन करी से कृष्ण हो अवतार नौ पार्वती कहले सी भारी मन दुख कले आगे कह हाँ जोटा कौन ठीक कथा आज शिवजी कहले हाँ छाड़ मन दुख कर तुम आज टी मत्स्य मंडल को जी बुलाई पार्वती जी कहे हाँ से ठीक कथा क्या मत्स्य मंडल तो आम बहुत सारा कौन अच्छा भक्तजन अच्छा तो आम जी बुलाई आस कि पार्वती जी पचारे जावा कौ जगह को जी शिवजी कहले कौ जगह कौ जगह जावा हाँ आम चल एकाम्र कानन जावा आप भल भाई जानते एकाम्र कानन कौड़ी कौड़ी आम देखिए भुवनेश्वर मंद्रमाली सहर से तो पार्वती जी कौन कले ना मानव रूप धारण कर मत्स्य मंडल को आसे एकाम्र कानन आसे तो एकाम्र कानन आसापर से मत्स्य मंडल पाद दे कानन बिहार भर से पाद दे तो सब चढ़ई मैंने खेलते शिशुआ मैंने दौड़ते हरिण मैंने नाचुले विभिन्न प्रकार सब जीवजंतु भितर बहुत चीज़र खेलकूद चलता तो पार्वती देखिए बहुत खुशी हो मत्स्य मंडल जगह कितने बढ़िया देखिए मन बहुत ही खुशी होगा तो किसी समय एम चली चली जाऊ जाऊ अकस्मात सांगे सांग कहला ना सब किसी स्तब्ध हो गला पार्वती जी कहले ये सब ठीक ठाक था पढ़ोनी कौन सब जाए बंधन हो गला ना कि तो अच्छे तो देखु देखु पूरा सबुआड़े नीरव हो गला समस्ते पूरा जीजुआड़े सब जेजे जगह पड़े गले पार्वती जी एक्टे ठिया होती देखिए आगुरी दुजा राक्षस मानव रूपी राक्षस पार्वती देखिए पार्वती जी भी कहीं डरवे से मानव रूप धारण करके आसे से किए माँ पार्वती देवी कांताई माँ काली सी भी कहीं डरिया जी सी भी डरू ना सी ठिया होती दूर से जो राक्षस दुईज देखुं से दु जन कथा हो दी भाई राक्षस कथा हो जो ना हूँ बास जो ना हूँ कृति हाँ तो बास कौन कृति की अरे देखिल देखिलु कितने सुंदर झीटा मोरे भाई कितने सुंदर झीटा ना आँ कौ बाहर नहीं तो दि राक्षस बुद्धि कौटर भल बुद्धि आसो सी कौन जानी ये मैं पार्वती बोलिक सी सोटू गले जाए सीधा जाए पार्वती जी कौन आउ तुम्हें किए सुंदरी कौर आसीच पार्वती जी टे मूलिक हसीदे कहना कौन कह चाहते ना आम कह चाहू ये मत्स्य मंडल आम हूँ दुई वीर तो आम चाहू तुम्हें आम दुईज को बहुत पार्वती जी कस मूर्ति हसीदे बाहर ठीक अच्छे मुँह कथा राजी कितु मोर गोटे सर्त अच्छे दुई राक्षस कहले को सर्त ना मुझे आसिकी ये बुलाई जी तो मुझे मत जे कांधे बस कि बुलेदेव मुझे बाहर आईज अच्छे मतलब दीज तो बाहर पारि ना जाए जन को बाहर तो मत जी कांधे बस कि पूरा पूरी एकाम कान बुलेदेव मुझे बाहर दुई राक्षस मन भितर पर लड्डू फुटी गला यही गोटे कथ आम एडेडे जी आम तो कांधे बस बुले पारू पारे ना आने बड़ नहीं आस हाउ सुंदरी मो कांधे तुम्हें बस पार्वती जी कौन कले ना खाली गोड़े कांधे थोदे से सांगे सांगे पड़े जो बड़ भाई अवस्था देखिए सान भाई कहला ना मे पार्लानी मुझे यदि से जगह जो भल बुद्धि था सुबुद्धि था निश्चित बुझी पारे कि जो पाद थो थो जो मरी जाए मोर से बचार आशा भी ना कि राक्षस बुद्धि कौन करेंगे लोभ राक्षस कह हाँ आस मो कांधे गोड़ मुझे तुमको बुले दे सब गले
କାନ୍ଥରେ ଯେଉଁ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଥିଲେ ତାଙ୍କ କାନ୍ଥରେ ବି ଗୋଡ଼ ଥୋଇଦେଲେ, ଯେମିତି ବସି ସେମିତି ମରିଗଲେ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ରାକ୍ଷସ ମରିଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେତେ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଯିଏ ସବୁ ପଳେଇଲେ ଯେ ବସାକୁ, ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲେ। ଫେରି ଆସିଲା ପରେ ପାର୍ବତୀ ଜାଣିପାରିଲେ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ କିଏ ଥିଲା, ଦୁଇ ରାକ୍ଷସ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତେ ଚଢ଼େଇ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ପଳେଇଯାଇଥିଲେ। ତ ପାର୍ବତୀ ସବୁ କିଛି କିଛି ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ, ଚାଲି ଚାଲି ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କିଛି ଧେନୁ ମାନେ ଆମର ଗାଈ ଆସି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇକି କ୍ଷୀର ତାଙ୍କର ଶିରରୁ ସେଠି ବାହାରୁଛି, ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତେ ଆସି ଠିଆ ହେଲେ। ପାର୍ବତୀ କ'ଣ ପାଇଁ ଠିଆ ହେଉଛି, ତାକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସେଠି ଅଛି। ତ ତା'ପରେ ଗାଈମାନେ ସବୁ ଆସିକି କ୍ଷୀର ଢାଉଛନ୍ତି। ପାର୍ବତୀ କ'ଣ କଲା ନା, ଗୋଟେ ଠୁଙ୍ଗା କରିକି ନିଜେ କ୍ଷୀର ଆଣିଲେ, ମାଗିଲେ, ହେଲେ ହେ ଧେନୁ ମାତା, ହେ ଗୋ ମାତା, ମୋତେ କିଛି ଆପଣ କ୍ଷୀର ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ପୂଜା କରିବି। ତ ଗାଈମାନେ ଦେଲେ କ୍ଷୀର, ଦେଲା ପରେ ଶିଶୁକୁ ଆଣିକି ନିଜେ କ'ଣ କଲେ ନା, ସେଇଠି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିକି ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ପାଣି ଢାଳିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ପାଣି ଢାଳିଲେ, ଏଇ ସମୟ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଶୋଷ କରୁଥିଲା ରାଧା, ତାକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, କଳସୀରୁ କ୍ଷୀର ଦେଉଥିଲେ କି ତୁମର କୃଷ୍ଣାଙ୍କୁ ମେଣ୍ଟାଅ। ତ ସେତେବେଳେ ନା ତାଙ୍କ ମନରେ ଆସିଲା ରାଧାର ଯେଉଁ ଭାବ ଥାଏ, ତ ରାଧାର ଭାବନାଟା କାହା ମନକୁ ଆସିଲା, ପାର୍ବତୀଜୀଙ୍କ ମନକୁ ଆସିଲା। ତ ଏଇ ସମୟରେ ଶିବଜି ଆମର ଆସିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦୂରରୁ ଶିବଜି ଦେଖାହେଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରିକା। ତା'ପରେ ଆସ୍ତେ 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 ଶିବଜି ପାଖକୁ ଆସିଲେ, କହିଲେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ପାର୍ବତୀ? ନା ଶିବଜି, ଆଉ ମୋତେ ନା ଲାଗୁଛି ମୁଁ ରାଧା, ଆଉ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆପଣ କୃଷ୍ଣ। ନା ହଁ, ମୁଁ ତ ଏଇ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି, ଆରେ ମୁଁ ସିନା କୃଷ୍ଣ ହୋଇପାରିଯାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ରାଧା ଭାବେ ଦରକାର ନା ନାହିଁ? ତ ଆଜି ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମନେ ରାଧାର ଭାବ ଆସିଛି, ଯଦି ଆପଣ ରାଧାର ଭାବ ଆଣିବ ତ ମୁଁ କାହିଁ କୃଷ୍ଣ ହେବିନି, ମୁଁ ଯଦି କୃଷ୍ଣ ହୋଇକି ଆସିବି। ତ ସେଇଦିନଠାରୁ ସେଠି ଆମର ଗୋଟେ ହୁଏ, ଗୁପ୍ତରେ ହୁଏ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଏକାମର ରାହାସ। ଆଉ ସେଇଦିନଠାରୁ ଆମେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ସେଠି ଯେହେତୁ ଲିଙ୍ଗ ପୂଜା ପାଇଲେ, ଦେବୀ ମା' ନିଜେ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି, ସେଠି କହିଲେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଏଇ ଲିଙ୍ଗକୁ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ହେଉଛି ଲିଙ୍ଗରାଜ। ତ ସେଇଦିନଠାରୁ ସେ ଜାଗାର ନାଁ ହେଇଥିଲା ଲିଙ୍ଗରାଜ। ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ବାସ୍ ମୁଁ ଛୋଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଦେନ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର୍ କରିବେ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।